उधर बड़ी खबर, गाजा में हमास के ठिकानों को तबाह करने में जुटी इसराइल की सेना से जुड़ी हुई आई। इसराइल की सेना पर गाजा में फिलिस्तीन के 100 लोगों के कपड़े उतरवाकर परेड करवाने का आरोप लगा। इससे जुड़ी कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। द न्यू अरब नाम की एक वेबसाइट के मुताबिक जिन 100 लोगों की परेड करवाई गई उनमें उसका एक पत्रकार और उनका परिवार भी शामिल था, जबकि इसराइल के मीडिया का कहना है कि तस्वीरों में दिखने वाले लोगों का हमास से कनेक्शन है और इन लोगों में कुछ लोग पहले हमास के लड़ाके थे और कुछ मौजूदा समय में हमास से जुड़े हुए हैं। हालांकि इस सारी बहस के बीच इसराइल की सेना ने इन तस्वीरों पर कोई औपचारिक बयान नहीं दिया, लेकिन गाजा में हुई इस परेड की तस्वीरें जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई बवाल मच गया, क्योंकि इसराइल पर फिलिस्तीन के आम लोगों से बर्बरता करने का आरोप लगा। दावा किया गया कि इसराइल ने गाजा में 100 लोगों की कपड़े उतरवाकर यह परेड करवाई। और जैसे ही इस मामले से जुड़ी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई बवाल मच गया, क्योंकि इन तस्वीरों में एक लाइन से लोग बिना कपड़ों के बैठे नजर आए। इन लोगों ने अपने सिर झुकाए हुए थे और डरे हुए दिख रहे थे। इन लोगों के आसपास कई सैनिक भी घूमते नजर आए। सोशल मीडिया पर वायरल ये तस्वीरें गाजा की। दावा किया गया कि सड़क पर बिना कपड़ों के बेबस हालत में बैठे ये लोग फिलिस्तीन के हैं और इनकी संख्या एक दो नहीं बल्कि 100 है। और इन लोगों को गाजा में घुसे इसराइल के सैनिकों ने पकड़ा, जिसके बाद इन लोगों की ऐसी शर्मनाक परेड करवाई गई कि तहलका मच गया। आरोप लगा कि फिलिस्तीन के इन लोगों की परेड गाजा में घुसी इसराइल की सेना ने करवाई और इन लोगों को टॉर्चर किया गया। इसराइल पर यह आरोप फिलिस्तीन ने लगाया और सबूत के तौर पर यह तस्वीरें शेयर कर दी। इन्हें देखकर इसराइल के खिलाफ फिलिस्तीन में गुस्सा बढ़ गया, क्योंकि दावा किया गया कि तस्वीरों में दिखने वाले लोग फिलिस्तीन के आम लोग और इसराइल की सेना ने इनके साथ हैवानियत की, क्योंकि जो वीडियो सामने आया उसमें पहले तो बहुत सारे लोग बिना कपड़ों के जमीन पर बैठे दिखे और जैसे ही कैमरा घूमा लोग इसी हालत में लाइन से ट्रक पर चढ़ते दिखाई दिए। एक दूसरी तस्वीर देखकर तो कलेजा ही पसीज गया, क्योंकि उसमें बिना कपड़ों के लोग घुटनों के बल बैठे दिखे। एक लाइन से बैठे इन लोगों के हाथ पीछे बंधे हुए थे और आसपास सैनिक खड़े थे। इसके बाद इन सभी लोगों को ट्रक पर बिठा कर ले जाया गया। ये दावा फिलिस्तीन के मीडिया ने किया, हालांकि इस बारे में इसराइल की सेना ने कोई औपचारिक बयान नहीं दिया और सारे दावे फिलिस्तीन के मीडिया ने ही किए। और इस वीडियो को इसराइल की सेना की हैवानियत का सबूत बताने लगा। फिलिस्तीन ने दावा किया कि वीडियो का हर फ्रेम गाजा में लोगों की दुर्दशा दिखाता है, क्योंकि इसराइल की सेना ने वहां के 100 लोगों को केवल बिना कपड़ों के सड़क पर ही नहीं बिठाया बल्कि इसी हालत में उन्हें रेत पर ले गए, जिसके बाद उनके साथ क्या हुआ किसी को पता नहीं। वीडियो में दिखा कि इन लोगों को ट्रक में भेड़ बकरियों की तरह बिठा कर ले जाया गया। पहले एक ट्रक गुजरा, उसके पीछे सैनिकों से भरी एक गाड़ी गई और फिर दूसरा ट्रक गया। इस ट्रक में भी लोग बिना कपड़ों के दिखे। इसके बाद एक तस्वीर आई और इस तस्वीर में बुरी हालत में लोग घुटनों के बल रेत पर बैठे दिखे और उनके आसपास सैनिक खड़े नजर आए। और इन्हीं तस्वीरों के आधार पर इसराइल की सेना पर आम लोगों से जानवरों जैसा सलूक करने का आरोप लगा, लेकिन इसराइल के मीडिया ने तर्क दिया कि जिन लोगों के साथ ये बर्ताव हुआ उनका कनेक्शन हमास से था। और गाजा की सड़कों पर बिना कपड़ों के बैठे ये लोग फिलिस्तीन के आम लोग नहीं हैं। हालांकि इस बारे में इसराइल की सेना ने कोई बयान नहीं दिया, लेकिन वहां के मीडिया ने दावा किया कि वीडियो में दिखने वाले लोग या तो पहले हमास से जुड़े थे या अब हमास के लिए काम करते हैं, क्योंकि इसराइल की सेना गिरफ्तारी से पहले पूरी जांच पड़ताल करती है। और इसराइल की सेना के प्रवक्ता ने भी कहा था कि वो गाजा में घूम घूम कर हमास के लोगों की तलाश कर रहे हैं और इसके लिए वो गाजा के लोगों को पहले गिरफ्तार करते हैं फिर उनसे पूछताछ करते हैं और जब तक ये पक्का नहीं हो जाता कि उनका हमास से कनेक्शन है उनके साथ कुछ बुरा नहीं किया जाता। इसराइल के मीडिया ने इन्हीं बातों को आधार बनाकर दावा किया कि गाजा में बिना कपड़ों के जिन लोगों की परेड करवाई गई वो हमास से जुड़े थे, लेकिन हमास ने इन दावों को नकार दिया और बयान दिया कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया वो सभी निर्दोष आम नागरिक थे और इसराइल की सेना ने इन लोगों की उत्तरी गाजा से सामूहिक गिरफ्तारी की। और ट्रक में भरकर ले जाए गए इन सभी 100 लोगों को उत्तरी गाजा के ही एक हिस्से में रखा गया, यानी हमास ने ये दावा करके इसराइल को नीचा दिखाने का पूरा इंतजाम कर डाला, क्योंकि एक तरफ इसराइल की सेना ने सामूहिक गिरफ्तारी से जुड़ी इन तस्वीरों के मुद्दे पर मुंह पर ताला लगा लिया और दूसरी तरफ हमास ने इसराइल के खिलाफ आग उगलनी शुरू कर दी, जिससे 100 लोगों को टॉर्चर करने का मुद्दा तूल पकड़ने लगा। क्योंकि हमास के अलावा फिलिस्तीन में काम करने वाले एक एनजीओ ने दावा किया कि इसराइल ने बुजुर्गों, डॉक्टरों, पत्रकारों और शिक्षकों को गिरफ्तार किया
यही नहीं, एनजीओ के मुताबिक गिरफ्तार किए गए लोगों में कई विस्थापित भी हैं। लेकिन इसराइल ने इन लोगों को हमास के लड़ाके बताकर गिरफ्तार कर लिया। हमास और फिलिस्तीन के इस दावे को और हवा तब मिल गई जब द न्यू अरब नाम की एक वेबसाइट ने दावा किया कि परेड में शामिल लोगों में उसका एक पत्रकार और उसका परिवार भी शामिल था, जो न केवल इस परेड में शामिल थे बल्कि इसराइल की सेना ने उनसे जानवरों जैसा सलूक भी किया था। लंदन से काम करने वाली द न्यू अरब नाम की एक वेबसाइट ने दावा किया कि बिना कपड़ों के परेड करने वाले लोगों में उसका एक पत्रकार भी था। यही नहीं, वेबसाइट ने दावा किया कि इसराइल ने उस पत्रकार के परिवार को भी पकड़ा और उन्हें भी टॉर्चर किया। वेबसाइट के मुताबिक इन लोगों में कई डॉक्टर भी शामिल हैं। इसके अलावा गिरफ्तार कैदियों में कई की पहचान भी हो चुकी है और उनके परिवार के मुताबिक उनका हमास से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसराइल ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वैसे इसराइल पर पहले भी गाजा में कुछ पत्रकारों और उनके परिवारों को मारने का आरोप लग चुका है। इन पत्रकारों में कतर के न्यूज चैनल अल जजीरा के एक पत्रकार भी शामिल थे।